हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खाने को लेकर एक विवाद हुआ जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। यहां कुर्सियां फेंकी जाने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गई कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। तब जाकर दोनों पक्ष अलग हुए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि चित्रकूट में राम भद्राचार्य महाराज की ओर से चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसमें एनसीसी के कैंडिडेट्स और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आजाद हिंद फौज के जवानों में लंच पैकेज को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों ही पक्ष लंच के पैकेट अपने कब्जे में लेना चाह रहे थे। देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया। इसी बीच हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि एनसीसी के कैंडिडेट्स और सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक कर मारने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर लाठियां बरसाई, तब जाकर ये मामला शांत हो पाया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।